Now, Priyan, here with some questions based on angles and property of a triangle. So I will discuss some questions based on this property. So let us start our class. Now, consider first question. In the given figure, AB is parallel to DE and angle BAC is equal to 35 degree, angle CDE is equal to 53 degree and find angle DCE. ठीक फिगर में आपको कुछ चीजें दी हैं और आपको एक अननोन को फाइंड आउट करना है तो लेट अस ड्रॉ दिस फिगर अगेन. एक बार मैं फिर से फिगर को ड्रॉ कर रही हूँ. सी This is the figure. Let us name it. This is point D. This is point E. This is C. And this one is D. This is A. ये आपका क्या है? A है, ठीक है? This is A. Yes? Now, the angle given is, कौन कौन से angles आपको दिए हुए हैं? See, this is 35 degree. ये कितना दिया है आपको? 35 degree. Yes? और ये कितना दिया है आपको? 53 degree. And what we have to find in this question? We have to find angle DCE. DCE means we have to find this angle. हमें इस angle को क्या करना है? Find out करना. ठीक है? तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सबसे पहले फिगर में गिवन क्या है? फिगर में गिवन है ए बी पैरेलल टू डी ई. नाउ सिंस ए बी पैरेलल टू डी ई, ए बी क्या है? डी ई के पैरेलल है. ठीक. एंड इफ ए बी पैरेलल टू डी ई, फिगर देखने से आपको क्या पता चल रहा है कि ए ई क्या एक्ट कर रहा है? ए ई इज एक्टिंग लाइक अ ट्रांसवर्सल. ए ई कैसा बिहेव कर रहा है? लाइक अ ट्रांसवर्सल. तो ए बी इज पैरेलल टू डी ई एंड ए ई इज अ ट्रांसवर्सल. ठीक. ए ई क्या है आपका? ट्रांसवर्सल है. क्लियर. सो अगर ए ई ट्रांसवर्सल है तो बताइए कौन से एंगल्स आपको मिलेंगे? पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल है तो मैंने बहुत सारे अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, corresponding and pointed angles. तो बताइए ये angle 35 degree है तो और कौन सा angle आपको मिलेगा? तो आप क्या कहोगे? अगर ये 35 है, ये दो line देखिए से बढ़ा लीजिए, इसे थोड़ा सा साइड में हम increase करते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे. जैसे अगर सपोज करिए मैंने इसको इधर बढ़ा दिया ऐसे, ठीक, और इसको मैंने ऐसे इधर बढ़ा दिया, ठीक. तो ये ट्रांसवर्सल बन रहा है आपका, ये बन रहा है ट्रांसवर्सल, बनता हुआ दिखा है. तो ये 35 डिग्री है तो और कौन सा एंगल 35 डिग्री होगा? ये वाला एंगल क्या होगा? 35 डिग्री होगा. तो सिंस ए बी एंड डी ई आर पैरेलल लाइंस एंड दिस इज ट्रांसवर्सल, विच वन इज? ए ई इज ट्रांसवर्सल. सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि जब आपने इसको यहाँ बढ़ाया ना, इसको जब आपने बढ़ाया और ये क्या है? ट्रांसवर्सल है. तो ये कौन सा एंगल बनेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. सो एंगल BAE is equal to angle AED. Clear? और ये कौन सा एंगल है? ये आपका है alternate interior angle. Clear? कौन सा एंगल है? alternate interior angle. So this implies BAE आपको पहले ही given था. So this is 35 degree. और ये आपको नहीं दिया था. तो ए ई डी आप एज इट इज लिखोगे. तो इसने क्या इम्प्लाई किया? इसने इम्प्लाई किया कि एंगल ए ई डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 35 डिग्री. तो ये आ गया आपका कितना? 35 डिग्री. ये आपका कितना आ गया बताइए? ये आ गया आपका 35 डिग्री. ठीक.
एंड वॉट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड एंगल सी. अब ये तो एक ट्राइंगल बन गया, और ट्राइंगल में आप क्या जानते हो एंगल सम प्रॉपर्टी से, दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. सो सिंस नाउ इन ट्राइंगल, इन विच ट्राइंगल सी डी ई, इन ट्राइंगल सी डी ई क्या जानते हो आप बताइए, एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री. बाय विच प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल सी, देन यू विल टेल मी दैट वी हैव टू फाइंड इट्स वैल्यू. सो वी विल राइट एंगल सी एज एंगल सी. क्लियर? नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल डी, सी इन द फिगर दिस इज 53 डिग्री. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ई, इट इज गिवन 35 डिग्री जो अभी हमने कैलकुलेट किया है. This is equals to 180 degree. So this implies angle C plus space at these two quantities, then you will get 88 degree is equals to 180 degree. This gives you angle C is equals to 180 degree minus 88 degree, and it will give you how much? It will give you 92 degree. It will give you what? 92 डिग्री. ये आपको कितना देगा? 92 डिग्री देगा. ठीक है? हाउ मच? सो एंगल सी इज इक्वल टू 92 डिग्री. क्लियर? सो दिस इज द वे ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. वो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये दोनों लाइनें कैसी थी? पैरेलल लाइन थी. तो ये एंगल अगर 35 है, तो ये कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो इसकी हेल्प से हमें इसकी वैल्यू पता चल गई 35 डिग्री. फिर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है? कि तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180. ये दो वैल्यूज पहले से नोन थी, इन दोनों को हमने ऐड किया. 180 में से जब सब्ट्रैक्ट किया, तो हमें एंगल सी की वैल्यू क्या हो गई पता चल गई. क्लियर? नाउ लेट अस कंसीडर नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ लुक एट द फिगर. इन द गिवन फिगर PQ इज परपेंडिकुलर टू PS. क्या दिया है? PQ क्या है? PS के परपेंडिकुलर है. एंड PQ इज पैरेलल टू SR. और क्या दिया है? PQ SR के क्या है? पैरेलल भी है. और कुछ एंगल्स भी आपको दिए हैं. देन फाइंड द अननोन वैल्यूज. तो आपको अननोन वैल्यूज मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू को क्या करना है? फाइंड आउट करना है. क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट दैट. चलिए सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. ये है आपका PQ. कुछ ऐसा ही फिगर आपको दिया है. ठीक है, लेट अस नेम इट. ये है P और ये कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का. ये है Q, ये आपको फाइंड आउट करना है. ये कितना है आपका? F. ये वैल्यू कितनी दी है? 28 डिग्री. क्लियर? दिस इज F. ये कितना गिवन है आपको? Y. क्लियर? दिस इज R. And how much it is given? It is 65 degree. Clear? And this is what? This is T. Clear? And we have to find the values of X and Y. हमें क्या निकालना है? X और Y की value क्या करनी है? Find out करनी है. Clear? So let us start. Now, what is given? Given this, PQ is perpendicular to PS. PQ क्या है? PS के perpendicular है. Given है? PQ is perpendicular to PS, therefore बताइए एंगल SPQ. PQ PS पे परपेंडिकुलर है. PQ PS पे परपेंडिकुलर है, मीन ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा बताइए? 90 डिग्री. क्लियर? और सेकेंड क्या गिवन है आपको? PQ is parallel to SR and PQ क्या है? पैरेलल है SR. PQ क्या है? पैरेलल है. PQ इज पैरेलल टू SR. PQ अगर SR के पैरेलल है, तो लुक एट दिस लाइन.
एस क्यू, एस क्यू कैसा बिहेव कर रहा है? इट इज एक्टिंग लाइक अ ट्रांसवर्सल. सी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, गिवन है ये भी. ऑल्सो यहाँ पर मैं ऑल्सो यूज कर रही थी. एंड एस क्यू इज एक्टिंग लाइक अ ट्रांसवर्सल. ये कैसा है? ट्रांसवर्सल की जैसा है. ठीक, एस क्यू क्या है आपका? ट्रांसवर्सल है. पी क्यू और एस सी क्या है? पैरेलल है. एस सी कही या एस आर कही, पैरेलल है. क्लियर? और एस क्यू क्या है? ट्रांसवर्सल है. जब ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? ठीक, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे. अब आप ये मत कहना कि ये 28 और वाई भी इक्वल होंगे. नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि आपको दिया है पी क्यू और एस आर पैरेलल है. क्या ये दिया है कि पी एस और क्यू आर भी पैरेलल है? देखिए ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं है, साफ साफ दिख रहा है. ठीक है, तो जो लाइन पैरेलल है उसको कंसिडर करते हैं. ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन पैरेलल है, और ये क्या है? ट्रांसवर्सल. तो पैरेलल लाइन से लगा हुआ और ट्रांसवर्सल से लगा हुआ एंगल ये वाला हुआ. इस केस में पैरेलल लाइन से लगा हुआ और ट्रांसवर्सल से लगा हुआ एंगल ये वाला हुआ. ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे? सेम होंगे. मीन्स दिस इम्प्लाइज एंगल, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू एंगल क्यू एस आर. QSR by which property? By alternate interior angle property. ये जो X होगा, ये जो angle होगा, ये QSR की क्या होगा? Equal होगा. मतलब QSR भी आपको क्या मिल गया? X मिल गया. That is QSR भी आपको क्या मिल गया? X मिल गया. ठीक, अब देखिए अगर ये X आ गया तो इन ट्राइंगल QSR, देखिए अगर QSR आप ट्राइंगल को कंसिडर करिए तो ये कौन सा एंगल है? एक्सटर्नल एंगल है. और कल ही मैंने आपको एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी बताई थी. ठीक है, तो इन ट्राइंगल QSR एंगल QRT, कौन सा एंगल? QRT, ये वाला एंगल किसके सम के इक्वल होगा? ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के क्या होगा? इक्वल होगा. इसके ऑपोजिट कौन कौन से हैं? कौन सा ट्राइंगल हमने कंसीडर किया है? हमने ये वाला ट्राइंगल कंसीडर किया है. ठीक, ये वाला ट्राइंगल. ठीक, तो इसके ऑपोजिट कौन कौन से एंगल्स है? ये और ये. तो दिस इज इक्वल टू एंगल क्यू एस आर प्लस एंगल क्यू एस आर प्लस एंगल एस क्यू आर. क्लियर? तो दिस इम्प्लाइज QRT की वैल्यू कितनी दी है आपको? 65 डिग्री. कितनी दी है? 65 डिग्री. दिस इज इक्वल टू QSR, कितना माना निकला आपका? X आया. तो हमने यहाँ पे X की वैल्यू पुट कर दी, X. ठीक, और ये कितना आया आपका बताइए? 28. SQR, SQR कितना दिया है आपको? 28 डिग्री. सो दिस विल गिव यू X इज इक्वल टू 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री. So x is equal to 65 degree minus 28 degree. So it will give you how much? It will give you 37 degree. Now the value of x is 37 degree. Now what we have to find? We have to find the value of y. अब हमें क्या निकालना है? y की value क्या करना है? Find out करना है. Clear? So see, हमें x की value पता चल गई है और t हमें angle पहले से ही पता है क्योंकि ये दोनों line क्या थी? Perpendicular थी. तो ये angle कितना था? 90 degree. तो ये निकालने के लिए हम इस ट्राइंगल को यूज कर सकते हैं और एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. क्लियर? तो इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल इन विच ट्राइंगल? एस पी क्यू. इन ट्राइंगल एस पी क्यू एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल क्यू एस पी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. सो दिस विल गिव यू, नॉट ओनली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस पी क्यू? एस पी क्यू, सी हियर, दिस इज 90 डिग्री प्लस पी क्यू एस. पी क्यू एस इट इज एक्स एंड वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स. टेल मी व्हाट इज द वैल्यू? दिस इज 37 डिग्री प्लस
QSP, ये क्या है आपका Y, this is equal to 180 degree. So this will give you 90 plus 37, 127 degree plus Y is equal to 180 degree. So this will give you 127 plus y is equals to 180 degree. So you will get y is equals to 180 degree minus 127 degree, and y is equals to 53 degree. कितनी वैल्यू मिल गई आपको y की? 53 degree. ठीक, तो y की वैल्यू मिल गई आपको 53 degree, और x की वैल्यू मैंने आपको पहले ही बता दी थी कितनी आएगी. So in this way we have find out the value of x and y. See, y की वैल्यू कितनी आई थी? 53, और x की वैल्यू कितनी निकली थी? 37. Clear? So let us consider one more question. एक और क्वेश्चन हम देखते हैं. ये फिगर आपको दिया है और इसमें ये आपको क्या करना है? प्रूफ करना है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फिगर एक्चुअली हमारा है क्या. चलो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं. This is the figure. ये आपका फिगर है. ठीक है, क्लियर. लेट अस नेम इट. ये अच्छी थोड़ा छोटा है, इसको छोटा कर दे रही हूँ मैं. ये है आपका फिगर, क्लियर. लेट अस नेम इट P. This is P. This is Q. This is R, this is T, and this is X. Clear? और क्या दिया है? In the given figure, side QR of PQR triangle is produced to a point S. PQR triangle का जो side है QR, इसे produce किया गया है up to point S तक. If the bisector of angle PQR and PRS, देखिए, PQR का bisector कौन है? ये है. ठीक, ये जो बाइसेक्टर है PQR का एंगल का, एंड PRS, PRS का बाइसेक्टर क्या है? ये वाली लाइन है. क्लियर, मीट एट अ पॉइंट T. ये दोनों बाइसेक्टर कहाँ पे मीट कर रहे हैं? T पे मीट कर रहे हैं. तो हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है एंगल QTR, मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR, मीन्स दिस एंगल. मतलब ये वाला एंगल इसका क्या है? हाफ है. ठीक, ये हमको क्या करना है? प्रूफ करना है. क्लियर. और अब आप क्या जानते हो? गिवन क्या है कि ये इसका बाइसेक्टर है. कौन बाइसेक्टर है? क्यूटी क्या है? एंगल क्यू का बाइसेक्टर है. बाइसेक्टर मींस एंगल को दो इक्वल हाफ में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है. सो क्योंकि एंगल को दो इक्वल हाफ में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है. मींस जितना एंगल ये होगा, जितना वैल्यू इसका होगा, उतना ही वैल्यू क्या होगा? इस एंगल का भी होगा. ठीक, इन द सेम वे ये जो पूरा एंगल है, ये लाइन इसको दो इक्वल हाफ में क्या करेगी? डिवाइड करेगी. आप बुक में फिगर देखिए, वो बिल्कुल ऐसे ही बना हुआ है. ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट दैट. व्हाट इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? चलिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए आप. सो Now, the given thing is, सबसे पहले आप कौन सा ट्राइंगल देख रहे हो? QTR. ठीक, तो इन ट्राइंगल QTR, इन ट्राइंगल QTR, ट्राइंगल QTR में क्या है? ये कौन सा एंगल है? कौन सा एंगल? ये वाला एंगल. ठीक, ये ट्राइंगल आपने कंसिडर किया, तो ये एंगल QTR के लिए क्या होगा? क्लियर एंगल होगा या नहीं होगा? कौन सा ट्राइंगल लिया? क्यू
टी आर, ठीक। तो इसकी साइड एक ये वाली है और इस वाले साइड को आपने क्या किया, प्रोड्यूस किया, तो ये जो एंगल होगा कौन सा होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा, क्लियर। तो एंगल टी आर एस, एंगल टी आर एस दिस इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स का क्या होगा, सम होगा। तो इसके ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं आप बताइए, इस वाले को भूल जाओ आप थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इसके ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से, तो आप क्या कहोगे, इस ट्रायंगल में एक होगा ये और एक क्या होगा ये, मीन्स एक एंगल आपका ये वाला होगा और दूसरा एंगल कौन सा होगा आपका, ये वाला होगा। चलिए बताइए इसका नाम क्या है, टी क्यू आर, टी क्यू आर प्लस एंगल कौन सा, क्यू टी आर, क्यू टी आर, ठीक। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर वन, क्लियर। नाउ नाउ सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन क्यू पी आर ट्राइंगल, इन ट्राइंगल क्यू पी आर, इन ट्राइंगल क्यू पी आर, इस ट्राइंगल में आपको क्या देखने को मिल रहा है बताइए, इस ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये पूरा एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल है ना। तो इन ट्राइंगल क्यू पी आर एंगल पी आर एस दिस इज इक्वल टू एंगल, अब बताइए इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल कौन सा है, एक तो ये वाला पूरा है, ये पूरा है, ठीक, ये पूरा है, इसका नाम क्या है, क्यू सॉरी इसका नाम क्या है आपका, पी क्यू आर प्लस दूसरा ऑपोजिट एंगल कौन सा है, तो आप कहोगे ये वाला है, इसका नाम बताइए क्या है, क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर, ठीक, यही हुआ आपका, ठीक है। तो चलिए इसी को स्टार्ट करते हैं, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर टू, ये कौन सा इक्वेशन बन गया आपका, इक्वेशन नंबर टू, ठीक। चलिए ध्यान से देखिए, अब मैंने क्या कहा, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, इस एंगल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, जब दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा तो पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर ये क्या होगा, दिस इज ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर, टी क्यू आर का क्या होगा, ट्वाइस होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये जो लाइन है इस एंगल का बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मीन्स दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, तो ये पूरा एंगल इसका टू टाइम्स होगा या इसका टू टाइम्स होगा, दोनों सेम है तो मैंने इसका टू टाइम्स लिखा हुआ है, ठीक। ऑल्सो ऑल्सो ये लाइन जो है इस वाले एंगल का बाइसेक्टर है ना, बाइसेक्टर किसका बाइसेक्टर है, इस वाले एंगल का, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं बताइए, ऑल्सो एंगल टी आर एस, एंगल टी आर एस दिस इज इक्वल टू, चलिए किसका हाफ है, इन दोनों का बाइसेक्टर है ये वाली लाइन, मतलब दो इक्वल हाफ में डिवाइड करा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल टी आर एस, ये लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल टी आर एस लिख सकते हैं ना, ठीक। नाउ सी इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन टू में क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या था एंगल टी आर एस और टी आर एस हमारा कितना आया है, ट्वाइस ऑफ टी आर एस, सो वॉट वी विल गेट, वी विल गेट, वी विल गेट ट्वाइस ऑफ एंगल टी आर एस, दिस इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर कितना आया था, ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर, सो वी विल गेट ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर प्लस प्लस एंगल क्यू पी आर, क्या क्यू पी आर को दिया है, नहीं दिया है, तो क्यू पी आर को हम एज इट इज रहने देंगे, एंगल क्यू पी आर किस इक्वेशन से, फ्रॉम टू, फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू, क्लियर। नाउ अब फर्स्ट को देखिए, एंगल टी आर एस की वैल्यू ये दी है, तो फर्स्ट से टी आर एस की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, टी आर एस किसके इक्वल था, एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर, ठीक, यूजिंग यूजिंग फर्स्ट पैरालाइजेशन हमने क्या किया, यूज किया, ठीक है। अब ब्रैकेट खोलिए तो क्या मिलेगा आपको, ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू टी आर दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर, ठीक।
अब देखिए ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर और ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर दोनों साइड सेम है कि नहीं है? दोनों साइड आपका क्या है? सेम है, दोनों ही साइड आपका क्या है? सेम है। ये वाला जो पार्ट है वही पार्ट आपका ये भी है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये दोनों पार्ट क्या हो गए आपके? कैंसिल हो गए। तो आपको क्या मिला? ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू टी आर दिस इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर। मिल गया? ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर मीन्स एंगल क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर दिस इज इक्वल टू, यहाँ जाके ये क्या हो जाएगा? वन बाई टू हो जाएगा एंगल क्यू टी आर। बन गया? तो यही तो हमको प्रूफ करना था ना। ठीक, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, समझिएगा। ये आपका फिगर है, ठीक है? दिया क्या है आपको फिगर में? ये वाली जो लाइन है, ये जो ग्रीन वाली लाइन है, ग्रीन वाली लाइन एंगल क्यू को बाइसेक्ट कर रही है, और ये जो ग्रीन वाली लाइन है एंगल आर को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है, और एक्सटर्नल एंगल भी दिख रहा है। तो भाई जब दो ट्राइंगल दिख रहे हैं और एक्सटर्नल एंगल दिख रहा है, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सबसे पहले हमने ये ग्रीन वाले ट्राइंगल को कंसिडर किया है, ठीक है? ये जो ग्रीन वाला ट्राइंगल है ना क्यू टी आर, इसको कंसिडर किया है। इस ट्राइंगल में एक्सटर्नल एंगल कौन सा है? ये वाला। देखिए मैंने इसलिए ब्लैक से बना दिया है। ये वाला एंगल कौन सा? टी आर एस। ये क्या है? एक्सटर्नल एंगल है, इसलिए एंगल टी आर एस किसके इक्वल होगा? ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। तो इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल कौन सा है ग्रीन वाले ट्राइंगल में? एक है आपका ये ब्लैक से जो मैंने लिखा हुआ है टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर, प्लस दूसरा ऑपोजिट कौन सा है? ये वाला मीन क्यू टी आर प्लस क्यू टी आर। इसको हमने क्या कर दिया? इक्वेशन नंबर वन। क्लियर? नाउ सेकेंड ट्राइंगल देखिए, ये जो आपका दिख रहा है रेड कलर से, ठीक, इसके लिए एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? ये पूरा जो पर्पल कलर से एंगल बना ना, ये पूरा एंगल क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। ठीक, क्या नाम है इसका बताइए? पी आर एस। तो एंगल पी आर एस किसके इक्वल होगा? ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के। तो इसके ऑपोजिट पहला वाला इंटीरियर एंगल कौन सा है? ये पूरा होगा जो मैंने रेड कलर से दिखा दिया आपको, मीन्स पी क्यू आर। तो पी क्यू आर प्लस दूसरा कौन सा होगा? ये पूरा होगा मीन्स क्यू पी आर। तो प्लस क्यू पी आर, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर टू। ये तो ट्राइंगल देख के हमने बना दिया। क्वेश्चन में हमको क्या दिया है कि ये बाइसेक्टर है और ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मीन्स टू इक्वल हाफ में क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये जो लाइन है एंगल क्यू को टू इक्वल हाफ में क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। मतलब पी क्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट ये जो लाइन है ये भी क्या कर रही है एंगल आर को टू इक्वल हाफ में क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। मीन्स एंगल पी आर एस को हम क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ एंगल टी आर एस। ट्वाइस ऑफ एंगल टी आर एस हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक, अब ये जो पी क्यू आर और टी आर एस की वैल्यू आई है, इसको इक्वेशन टू में हमने क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया। रखिए एंगल पी आर एस की जगह रखिए ट्वाइस ऑफ टी आर एस, ये आ गया। ठीक, इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, क्या था? ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर, यहाँ रखिया, क्या मिल गया? ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर को हमने एज इट इज लिख दिया, और इसलिए मैंने लिख दिया फ्रॉम टू, क्योंकि हमने टू इक्वेशन को क्या किया है? यूज किया है। ठीक है, नाउ टी आर एस, टी आर एस की वैल्यू इक्वेशन वन में देखिए, एंगल टी आर एस की वैल्यू दी गई है, तो ट्वाइस एज इट इज था। टी आर एस की जो वैल्यू थी उसको मैंने ब्रैकेट में रख दिया, एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपका एज इट इज लिखा गया है, ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर एज इट इज लिख दिया, एंगल क्यू पी आर एज इट इज लिख दिया यूजिंग फर्स्ट। हमने फर्स्ट इक्वेशन क्या किया था? यूज किया था। ब्रैकेट ओपन करिए, ट्वाइस होगा तो ब्रैकेट में अंदर टू मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर। ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर, ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू से दोनों साइड प्रेजेंट, एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। क्लियर? यहाँ क्या बचेगा? ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू टी आर बचेगा इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा? एंगल क्यू पी आर बचेगा। सो दिस विल गिव यू एंगल क्यू टी आर, ये ट्वाइस इधर जाके क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा एंगल क्यू पी आर। यही तो हमको क्या करना था? प्रूफ करना। ठीक, सो इन दिस वे वी हैव सॉल्व ऑलमोस्ट थ्री क्वेश्चंस इन टुडेस लेक्चर। सो स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई टू solve these questions again by yourself.
and also solve the left session of your exercise book. Till then, please revise it. We will meet in next class. Thank you so much.